द जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से काफी एडवांस टेलीस्कोप होगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पर से पर्दा हटाने वाला है। ये इतना पावरफुल होगा जो ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज को सुलझाएगा जो अब तक हमारे लिए एक पहेली थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का काम आज भी नासा में चल रहा है और इसके निर्माण कार्य में करीब $10 बिलियन खर्च हो गए। ये टेलीस्कोप जब कार्यरत होगा तो बिग बैंग के तुरंत बाद के कुछ ही वर्ष पश्चात का इतिहास हमें बताएगा और ये भी बताएगा कि बिग बैंग के तुरंत बाद किस गैलेक्सी का जन्म हुआ था और हमारे सूर्यमंडल के शुरुआती दिनों के बारे में भी हमें इसके द्वारा ही पता चलेगा। साथ ही ये टेलीस्कोप दूर के कई सारे ग्रहों के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और उसमें जीवन मौजूद है या नहीं इसके बारे में हमें सटीक रूप से जानकारी देगा। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को मार्च 2021 में लॉन्च किया जाने वाला था और आज भी इसकी स्केड्यूल डेट यही है। नासा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण शायद इसमें कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी डिले के कोई न्यूज हमें नहीं मिले हैं, इसलिए अभी तक तो इसकी लॉन्चिंग साल 2021 में तय है। 2022 द गगनयान प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से गगनयान मिशन पर काम कर रही है। ये गगनयान प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला मैन स्पेस मिशन होगा जहां पर इसरो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगी। दोस्तों, हमारे इस गगनयान प्रोजेक्ट को रशिया और स्पेन भी सपोर्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हम 2022 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने में कामयाब हो जाएगी। इसी साल एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक मानव रहित यान मंगल पर भेजेगी। इस यान को पृथ्वी से ऑपरेट किया जाएगा और ये मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। यह 2023 चाइनीज स्पेस स्टेशन विल बी कंप्लीटेड। दोस्तों, चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और उसका यह दावा है कि साल 2023 तक यह स्पेस स्टेशन बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी एक टिकट खरीदने की कीमत होगी 75 करोड़ रुपए। जी हाँ, 75 करोड़ रुपए में आप स्पेस होटल में 12 दिन तक रह सकते हैं। और इसी साल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुइस को लॉन्च करेगी। जुइस एक स्पेस मिशन है जो जुपिटर के बर्फीले चंद्रमाओं पर स्टडी करेगा। यह 2025 द फर्स्ट स्पेस होटल। दोस्तों, हम इंसानों में से कुछ 5 या 6 इंसान हमेशा स्पेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं और ये इंसान एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स के अलावा स्पेस में जाना अभी आम इंसानों के लिए ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ओरियन स्पेन नाम की कंपनी अभी स्पेस होटल बना रही है और उनका कहना है कि वो बहुत जल्द इस होटल का निर्माण कर लेंगे और वर्ष 2025 तक तो यात्रियों को स्पेस की सफर करवाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एस्ट्रोनॉट्स के अलावा पृथ्वी के दूसरे लोग भी स्पेस में जा सकेंगे। लोग जीरो ग्रेविटी का आनंद उठा सकेंगे और इस स्पेस होटल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन 24 घंटे में पूरे 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ISS में एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जो चीज भी पृथ्वी का भ्रमण करती है उसे 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को नसीब होता है। जाहिर है दोस्तों कि फिर भी ये आम इंसानों के लिए मुमकिन तो नहीं ही होगा, क्योंकि दुनिया के सुपर रिच लोग ही इसकी टिकट्स खरीद पाएंगे। फिर भी अगर ऐसा होता है तो कुछ साल बाद कई सारी और कंपनियां भी इस मिशन में कूद पड़ेगी और हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोगों के लिए ये पॉसिबल हो पाए। दोस्तों, इसी साल SpaceX कंपनी अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाएगी। अगर 2022 वाला SpaceX का मिशन सफल होता है तो साल 2025 में एलोन मस्क की SpaceX कंपनी मंगल पर इंसानों को भेजेगी। शुरुआत में जाने वाले ये इंसान क्रू मेंबर्स हो गए, यानी कि कोई आम इंसान नहीं हो गए, लेकिन प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट्स हो गए जो मंगल पर जाके कई सारी जानकारियां जुटाएंगे और भविष्य में मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है इस बात के वहां जाकर आंकड़े जुटाएंगे। ये यान अगर 2025 में पृथ्वी से निकला तो 2027 से पहले पहले वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 150 से 300 दिन तक का समय लगता है और ये डिपेंड करता है स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और लॉन्चिंग के टाइम पृथ्वी मंगल से कितना करीब थी इस बात पर। वैसे जब भी ये लॉन्च होगा उस वक्त पहुंचने के टाइम को कैलकुलेट करके सुनिश्चित कर दिया होगा। और अगर इंसान 2027 या मान लो कि उसके कुछ साल बाद भी मार्स पर जाने में सफल हो जाते हैं तो ये इंसानियत के लिए चांद पर पहुंचने से भी बड़ा अचीवमेंट होगा और इंसान रूबरू ये जान पाएंगे कि मार्स पर कैसे हालात है और वहां पर मानव बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं। ये 2029। दोस्तों, हमने 2008 एंड 2009 में ग्लीस 581 प्लेनेटरी सिस्टम में दो रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, या यूं कहे कि पृथ्वी की तरफ से दो मैसेजेस भेजे थे। ये ग्लीस 581 हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक पूरी प्लेनेटरी सिस्टम है और हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वहां पर लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इसीलिए अगर वहां कोई रहता है तो हमने यहां से रेडियो सिग्नल्स भेजे थे और हमारा ये मैसेज यह 2029 में उस प्लेनेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएगा। और अगर वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो हमारे जैसी या हमसे ज्यादा विकसित है तो वो भी हमें रिटर्न मैसेज भेजेगी जो उसके ठीक 20 साल बाद हमें मिलेगा। यह 2030। इस साल नासा इंसानों को मंगल पर भेजेगी, यानी कि अगर SpaceX कंपनी इससे पहले मंगल पर पहुंचने में फेल हो जाती है तो मंगल पर सबसे पहले इंसानों को भेजने का श्रेय नासा को जाएगा। नासा के बाद अमेरिकन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मंगल पर भेजना शुरू करेंगी। यह 2036। दोस्तों, इस साल तक नासा एक प्रोब अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक भेज सकती है।
वैसे तो अल्फा सेंचुरी हमसे करीब 4.5 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इस सुपर फास्ट प्रोब को वहाँ तक पहुँचने में करीब 20 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। ये प्रोब वहाँ पहुँचकर हमें वहाँ की स्टार सिस्टम और वहाँ की प्लैनेटरी सिस्टम के फोटोज भेजेगा और हम अल्फा सेंचुरी को बहुत ही करीब से जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि वहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। Year 2037। दोस्तों ये एक पहला साल होगा जिस साल की गर्मियों में हम पूरे आर्कटिक में कहीं पर भी बर्फ नहीं देख पाएंगे और इसका कारण सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही वो कारण है जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे दीमक की तरह नष्ट कर रहा है और इसके कारण ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारा ही किया तरह है, ये सब हमारी ही महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है और इसके कारण भविष्य में ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी और इसीलिए वैज्ञानिक मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। सर स्टीफन हॉकिंग भी ये कहा था कि इंसानों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में एक नया प्लेनेट खोज निकालना होगा और इसी कारण आज इंसानियत मंगल पर जाने की पूल जोश से तैयारी कर रही है। Year 2050। दोस्तों ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमने ग्लीस 581 गैलेक्सी में जो रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, उस रेडियो सिग्नल्स को अगर वहाँ रहने वाली किसी सभ्यता ने कैच कर लिए होंगे तो वो लोग जरूर इसका रिप्लाई हमें भेजेंगे और अगर उन्होंने रिप्लाई किया तो ये रिप्लाई हमें सन 2050 से पहले मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो हम ये जान लेंगे कि हमारे अलावा भी हमारी गैलेक्सी में किसी सभ्यता का बसेरा है। इसके अलावा अगर SpaceX और NASA के मंगल पर पहुंचने के पिछले सारे प्रयास सफल हुए होंगे तो साल 2050 में पृथ्वी से एक बहुत बड़ी स्पेस शिप मंगल पर भेजी जाएंगी और इस स्पेस शिप में पृथ्वी से बहुत सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा। मंगल ग्रह को सामान्य इंसानों के लिए रहने लायक तो बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात है जो स्पेस होटल के लिए थी, क्योंकि यहाँ भी सामान्य इंसान से मतलब सिर्फ अमीरों से है। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की मंगल पर शुरुआत होगी और मानव बस्ती धीरे धीरे मंगल पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सारी संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं साइंटिफिक प्रिडिक्शंस पर आधारित है, इसीलिए इसमें ज्यादातर सच्चाई है और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कल किसी ने नहीं देखा और